पैदा हो जाओ यहाँ पर, इसलिए सभी ढंग से बहुत बाहर करते हैं कि हर जगह डला नहीं है वहां पर डला, क्योंकि बहुत ही स्थिति बहुत ही कमरा और यहाँ पर अपील किया जा रहा है जनपद का और कम होता जाएगा। इस खेल का जो रंगत है, जो रौनक है, जो खूबसूरती है, जो लगत जो उम्मीद बनाए रहते हैं उनको आप देखने को मिलेगा, क्योंकि कबड्डी की समाज सही हुआ है देखना सही रहेगा। और यहाँ पर इस बार भी शायद बहुत सारे क्योंकि हवा का एक मौका है आने वाली इन्हें के लिए जितने भी आमंत्रण तो बहुत अपने क्या पता नहीं दर्शक हैं पर ना इधर इधर आप उससे अधिकारी हैं आप उससे अधिकारी हैं और भी कौन कमेटी और इस हाई होटल जोड़ी में पहली बार तो हमारे तो इस खेल के समाप्ति के बाद अगला जो मैच होना है एएफसी गोविंदपुर और जेएसएससी सहकारिता रामपुर, तो दोनों टीम मैनेजर आप अपने खिलाड़ियों को तैयार रखेंगे क्योंकि इस खेल के समाप्ति के बाद आपका अगला मैच होना है। और यहाँ पर एक जोरदार शॉट मारा था लेकिन गीता की अगर ऑन टारगेट रहते तो शायद परिणाम कुछ और होगा लेकिन गीता हुआ नहीं। बहरहाल आप जो मैच देख रहे हैं ये दूसरे दौर का पहला मैच है, खेल का दूसरा भी, और ये 15 अगस्त के शुभ अवसर पर तीन दिवसीय फुटबॉल खेल का आयोजन किया गया है और साथ ही स्पोर्ट्स प्रोग्राम भी रखा गया है कल यानी 15 अगस्त के शुभ अवसर पर। कल तीन मैच होंगे फुटबॉल में दोनों श्रेणी और माफ कीजिएगा आज दोनों श्रेणी आज हो जाएगी और कल स्पोर्ट्स रहेगा और भी जो फाइनल लास्ट टाइम खेला जाएगा फिर या साढ़े तीन बजे के करीब और यहाँ पर पार करना है दूरी भी काफी है तो देख रहा है आगे सोना है कहना मुश्किल है तो मैं आपका दर्शक हूँ तो बता रहा था कल के दिन आप आना ना भूलें 15 अगस्त के शुभ अवसर पर। स्पोर्ट्स प्रोग्राम में 100 मीटर 200 मीटर 800 मीटर शार्ट की महिलाओं के लिए भी है और यहाँ और नेट को चीरता हुआ तो अंत तक भागलपुर की पूरी विभाग और यहाँ पर एक बार फिर से लेकर का प्रयास किया था गेम की गति तक पहुंच चुके हैं कैरी करना चाहेंगे लेकिन सही दिशा नहीं दे पाए राइट कोर्ट मारना चाहिए था लेकिन उन्होंने हवाई हमला किया और इस तरह में जो उनका प्रयास था वह विफल अच्छा प्रदर्शन किया है। एक बार फिर से भर्ती एरिया में लड़ रहा था वहां सुपर विकेट तो कोई नुकसान नहीं।